क्वेश्चन नंबर वन, इंटीग्रल 0 to 2 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x². तो एक क्वेश्चन को मैं पहले आई से डिनोट करता हूँ, आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x² इज इक्वल टू, वी राइट लिमिट 0 to 2 एज इट इज, 1 dx आल्सो सेम। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? इनसाइड द रेडिकल पार्ट, रूट के अंदर। अब 4 जो टर्म है वो मैं लिख सकता हूँ 2 ब्रैकेट स्क्वायर - x² आई कैन राइट x ब्रैकेट स्क्वायर। तो अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला को स्टेट करता हूँ यहाँ पर मैं, इंटीग्रल 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² - x² कि जिसका आंसर हमें मिला था साइन इनवर्स x / a + c। तो ऑन सेम लाइन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रल 1 / √2² - x². तो इसका आंसर हमें क्या मिलना चाहिए? साइन इनवर्स ब्रैकेट x / 2, ब्रैकेट कंप्लीट टू द लिमिट 0 to 2। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला x की जगह पे अपर लिमिट रिप्लेस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? साइन इनवर्स ब्रैकेट x को हम 2 से रिप्लेस करेंगे, सो वी गेट 2/2, देन कंपलसरी बाय रूल माइनस साइन। अब हम x की जगह पे लोअर लिमिट दैट इज 0 को रिप्लेस करेंगे, सो हमें मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 0/2, सो इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पर 2 कैंसिल हो रहे हैं, तो मुझे आंसर मिला साइन इनवर्स ऑफ 1 - साइन इनवर्स ऑफ 0/2, सो दैट गिव्स यू आंसर 0। अब फ्रॉम ट्रिगो टेबल साइन का आंसर 1 का बताएं, π/2 में, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 हो गया π/2 माइनस साइन का आंसर 0 का बताएं 0 में, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 हो गया 0। सो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन π/2 - 0, तो उसका आंसर आया π/2। सो इसी तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 1 था इंटीग्रल 0 to 2 1 dx अपॉन √4 - x² कि जिसका आंसर मुझे मिला π/2।